राजस्थान में मॉनसून दस्तक देने वाला है, कई जिलों में प्री मॉनसून बारिश भी देखी गई है। जयपुर में भी आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। हर साल पानी बरसने पर जल भराव की तस्वीरें सामने आती हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर इस साल मॉनसून से पहले प्रशासन ने जयपुर में क्या तैयारियां की हैं, इसका रियलिटी चेक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने किया। किस तरह से नालों की सफाइयां नहीं हुई हैं और ये जल जमाव का एक बड़ा कारण फिर से न बन जाए, इसको लेकर NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और यह मानसून अब राजस्थान भी पहुंच रहा है और प्री मानसून बारिश भी होने वाली है, जिसमें कई इलाकों में बारिश हुई है। जयपुर में भी आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है और मानसून आने के बाद तो लगातार बारिश होगी ही। इस बारिश के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जितने भी शहरी निकाय, नगरीय निकाय हैं, वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की है। हम जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं और जयपुर नगर निगम ने मानसून को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की है, उसका रियलिटी चेक ले रहे हैं। ये जो आप कैमरे पर ये तस्वीर देख पा रहे हैं, यह एक नाले की है जिसकी साफ़ सफाई होनी थी। हर साल नाले की सफाई को लेकर बहुत बड़ा बजट जो है वह खर्च होता है, लेकिन ये एक नाला है जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके दोनों तरफ और जिस तरह से घास उगी है और पेड़ यहाँ पर बड़े हुए हैं, उसे देखकर तो यह लगता है कि कई साल से इसकी सफाई नहीं हुई है। बहरहाल इस साल तो बिल्कुल नहीं हुई है और यह बताने के लिए काफ़ी है कि नगर निगम जो है वह कितना संवेदनशील है इस पूरे मुद्दे को लेकर के और कितनी कुछ नगर निगम की तैयारी है। पिछले साल इसी वजह से नाले में बहुत ज़्यादा पानी जमा होने के बाद जो दिक्कतें आई, उसकी वजह से मुरलीपुरा स्थित इलाके में एक बच्चे की, 8 वर्षीय एक बच्चे की दुखद मौत भी हो गई थी। बावजूद इसके इस साल स्थिति ये है कि अभी जब मानसून सर पे है तो पूरे तरह से नाले की सफाई नहीं हुई है। अब यहाँ जब पानी आएगा तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नाला जो है ओवरफ्लो होगा और आसपास के लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे कि ये जो नाले की स्थिति है ये कितने सालों से ऐसी स्थिति है और जिस प्रकार से ये देख करके, कम से कम तस्वीरें तो ये बता रही हैं कि बहुत लंबे वक्त से इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है, क्या स्थिति है, कब से ये स्थिति है, सब जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका, कितने सालों से आप इधर रह रही हैं और ये स्थिति कब से है? मेरे को 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए जी। और यहाँ पे जब भी बारिश आता है ना तो सब उनका घरों में पानी घुस जाता है, नाले की बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ पे मच्छर है जो बैठ भी नहीं पाते हम, और छोटे छोटे बच्चे हर समय बीमार होते हैं, सबके घर में मच्छर ही मच्छर है, कहीं आराम से सो भी नहीं सकते हैं वो, मतलब इतने मोटे मोटे मच्छर है, जैसे मक्खी होती ना ऐसे ऐसे मोटे मोटे मच्छर है। तो अब पिछले साल क्या साफ सफाई हुई थी इसकी? साफ सफाई तो होती है, फिर बाद में वही कचरा हो जाता है, वही पूरे दोनों तरफ से पानी भी नहीं निकलता, इधर पानी भर जाता है, इधर पानी भर जाता है, ऊपर तक पानी चल जाता है, पानी का निकास ही नहीं है इसका, पूरा कचरा ही कचरा है इसमें। तो ये बहुत सारी समस्याएं बता रही हैं। ये जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत लंबे वक्त से इसकी सफाई नहीं हुई, कब आखिरी बार सफाई हुई थी आप लोगों को याद है? गवर्नमेंट से फॉर्मेलिटी कर देती है, आती है 2-3 ट्रैक्टर निकाल के चली जाती है, इसके अंदर खूब मलबा भरा पड़ा है और इसका इतनी गंदगी हो जाती है कि जब ये पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो ऊपर तक पानी पहुँच जाता है घरों में, मकानों में, और इसकी इससे शिविर का पानी भी इसी में जो पूरी गंदगी फैल जाती है इससे शिविर के भी। तो आप लोग जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, आप लोगों ने कभी नगर निगम प्रशासन से, आपके स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करने की कोशिश की इस समस्या को लेकर? सर, कोशिश तो बहुत की है बट ये बोलते हैं कि हाँ करवाएंगे, अब कोई नहीं पता कि कब करवाएंगे। ये जो आप सर नाले देख रहे हैं ना, ये इनकी हालत ऐसी है कि इनमें पूरा कचरा भरा पड़ा है, इनमें से पानी वहाँ से जो आ रहा है वो पानी पार ही नहीं हो पा रहा, तो सारा कचरा फर रहा है, कम से कम 10-10 फीट के हैं ये नाले, ये सारे भरे पड़े हैं कचरे से, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है जी। आप कुछ बता रही थी, क्या बता रही थी? एक बार मतलब चूहा डालने के लिए आया था, वो पिंजरे में से ऐसे निकाल रहा था चूहे को, वो चूहा तो निकल गया और पिंजरा भी पड़ गया, तो वो पिंजरा निकालने के लिए जो भाई ऊपर ही ऐसे ही होगा, पानी नहीं होगा ज्यादा इसमें, वो घुसने लगा एकदम में यहाँ नाड़ तक घुस गया था वो, और वो यहाँ पे आदमी काम कर रहे थे तो वो भक्के आए, भाई कहाँ से आवाज आई, इधर से आवाज आई, उन्होंने उसको निकाला, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, इतना पूरा धस गया था, अगर कोई भी यहाँ पे नहीं निकलता ना तो नीचे मर जाता नाले के अंदर। तो नाला बहुत गहरा है लेकिन इसकी साफ सफाई नहीं हो पा रही है,
तो अभी जब ये स्थिति है, आने वाले दिनों में जैसा आप बता रहे हैं कि हर साल पानी जाता है, तो आप लोगों ने इसको कबूल कर लिया है कि हाँ ठीक है, हमारी नियति में ही यही है कि हर साल पानी तो आएगा ही? हाँ तो सर, और कर भी क्या सकते हैं, जब सरकार सपोर्ट ही नहीं करेगी हमारा, कुछ करवाएगी नहीं इसका सोल्यूशन, तो हम तो क्या कर सकते हैं। हम तो यही सोचेंगे ना कि ठीक है भाई, हर साल का काम है, ठीक है देख लेंगे होएगा जैसा। तो क्या कभी स्थानीय स्तर पे आप लोगों ने भी चंदा वगैरह इकट्ठा करके लोगों से पैसे उसे जोड़ के साफ सफाई कराई है, इसकी ऐसी नौबत भी आई कभी? कई बार करवाया साहब, तो कई बार करवाया साहब, ये अधिकतर तो ये कचरा डालने वाले कर जाते हैं इकट्ठे, इधर से लेकर उधर से ब्लॉक कर देते हैं, मना करने के बाद नहीं मानते, रात को आके पटक जाते हैं, कभी कभी आ जाती है गाड़ी साफ करने के लिए, चली जाती है, वो पूरा करती नहीं पाती है। नहीं, अब तो जैसे मानसून आ गया है, बारिश होगी, और नगर निगम प्रशासन जो है यह दावा कर रहा है कि हर जगह पे नाले की सफाई हो रही है, अभी भी यहाँ सफाई नहीं हुई है, तो आप क्या कहेंगे? आप देख लो ना साहब, आपके सामने है, देखो आप, हुई है क्या? नहीं हुई है। नहीं हुई है वो तो ठीक है, समझ पा रहा हूँ मैं, लेकिन अब अगर सफाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? आती है आधा आधा कर जाएगी, आधा छोड़ जाएगी, फिर आएगी नहीं, कचरा यहाँ रोड पट जाएगी। दलदल है, इसके अंदर कोई भी जानवर भी घुसता है ना, तो ये सोचता है कि कुछ भी गहरा नहीं है, और एक्चुअल में नाले की गहराई है कम से कम 25 से 30 फीट गहराई है। अब उसकी 25 से 30 फीट तक जब तक सफाई नहीं होगी ना, जब तक ये क्लियर होगा नहीं। अब कोई भी जानवर, अभी 10-11 दिन पहले की बात है, एक गाय आ गई थी दलदल के ऊपर, वो गाय पूरी धसी गई थी नीचे, निकली नहीं दोबारा, ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है यहाँ पे। और मानसून के अंदर हमारी दुकान है, दुकान के अंदर तक पानी, उस साइड तक पानी, जानवरों को निकलने, राहगीर आते हैं ना पुलिया पे, तो पुलिया पे से निकल भी नहीं पाते हैं राहगीर, इतना ऊपर तो भी बंद हो जाता है, बिल्कुल ओवरफ्लो होके पानी जाता है भैया, रोड पे से भी इतना पानी आता है, ये पूरे घर है ना, ये पूरे पानी में भर जाता है, पूरे कीचड़ में भर जाते हैं, ये आगे तक नहीं, और ये पूरी नाली है ना, ये पूरी नाली ब्लॉक हो रही है, नालियों भी साफ नहीं की इन्होंने, कुछ नहीं काम हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, तो साफ तौर पे ये तस्वीरें भी बताने को काफ़ी है कि क्या हालात हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन निर्मल से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। जाहिर तौर पे लोगों का जो आक्रोश है वो इसीलिए है कि ये जो पूरा नाला है, इसके ऊपर से रास्ता भी है, और जब ये पानी भरता है यहाँ पर तो ये रास्ता भी बंद होता है, और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के जो डर है वह भी लोगों के मन में बना रहता है, और लोग यह भी बता रहे हैं कि बीमारियाँ भी फैलती हैं। जाहिर तौर पे जब इस तरह का पानी रहेगा और मच्छर और बाकी चीज़ें रहेंगी, तो बीमारी फैलने का डर भी बरकरार ही रहेगा। नगर निगम प्रशासन इस बार दावा ये जरूर कर रहा है कि पिछली बार जो दुखद घटना हुई थी उससे सबक लेकर के वह इन चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हालात और ये तस्वीर अपने हाल साफ तौर पर बयां कर पा रहे हैं। हम कुछ और जगहों पर चलेंगे, वहाँ का भी रियलिटी चेक करेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, और आपको दिखाएंगे। मूर्ति कॉलोनी के नाले की तस्वीर आपने देखी, लोगों का गुस्सा भी आपने देखा। अब इसके बाद हम पहुंच चुके हैं सुदर्शनपुरा स्थित इस नाले पर, जो कि जयपुर के सबसे बड़े नालों में से एक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो होता है, क्योंकि चार दीवारी से आने वाला पूरा पानी जो है वो इसी तरफ से होकर शहर के बाहर जाता है। निगम ने इस बार इसके साफ सफाई के लिए व्यवस्था जरूर की, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर कचरा जमा हो चुका है। करीब महीने भर पहले निगम ने यह कोशिश की थी कि इस पूरे नाले की साफ सफाई की जाए, और इसकी वजह से तस्वीर इस बार थोड़ी सी बदली हुई नज़र जरूर आ रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही का आलम यह देखिए कि लोग अभी भी इस नाले के पास इतने बड़े पैमाने पर कचरा डाल रहे हैं कि गंदगी की जो पूरी तस्वीर है वो एक बार फिर से कमोबेश वैसी ही होती जा रही है। और एक बार फिर से मानसून से पहले नगर निगम को इस नाले की साफ सफाई पर उतना ही जोर लगाना होगा जितना करीब महीने भर पहले उन्होंने लगाया था, क्योंकि इस नाले के साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी है। अब से कुछ साल पहले यहाँ पर एक कार सवार युवक जो है वह बह गया था, और करीब 7 दिन के बाद उसकी लाश जो है वह बरामद हुई थी। तो ये दो घटनाएँ जो हैं, जो पिछले बार मुरलीपुरा में हुई और वो कार सवार युवक की मौत की घटना, इन दोनों घटनाओं ने नगर निगम को जरूर सचेत करने की कोशिश की थी और उसको तैयारी करने की, लेकिन वो तैयारियां किस प्रकार की हो पाई हैं, क्योंकि अभी भी इस नाले में जिस प्रकार का कचरा है जमा, वो जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो फिर इसकी तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आएगी। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के कामगार हैं, वे यह बताते हैं कि जब बरसात के दिन आते हैं, बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस पूरे इलाके में न सिर्फ नाले का पानी ओवरफ्लो होता है, बल्कि जो सड़क है वहाँ भी पानी जमा हो जाता है। यहाँ पर ये एक
नाई की दुकान चलाते हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं इस नाले के बिल्कुल पास में। क्या नाम है आपका और क्या तस्वीर रहती है इसकी बरसात के दिनों में, थोड़ा वो बताइए। मेरा नाम अहमद हुसैन है। ये नाले पे क्या है, बरसात में क्या है, पानी भर जाता है, नाला से ओवर हो जाता है, नाला से पाइप क्या है भराया हुआ है, कचरा पानी पास होता नहीं है। अब पास पानी होता नहीं है तो रोड पे पूरे पानी भर जाता है एकदम, समझे कि नहीं। तो अभी इसकी साफ सफाई कब हुई है और ये आप जो पाइप की बात बता रहे हैं, पाइप की साफ सफाई हुई है क्या? पाइप के नहीं हुई है सफाई। अच्छा, पाइप की सफाई नहीं हुई है, बस खाली नाला सफाई हुआ है अभी कुछ दिन पहले, 15 महीना दिन हो गया है बस, अब फिर भी वैसा ही हो गया है। आप ये तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, ये जालियाँ जो हैं वो उसी घटना के बाद लगाई गई थी एहतियातन, की अगर इस तरह से फ्लो होता है कभी अचानक, तो अभी लगी है। उससे पहले ये गार्डर लग गए थे, गार्डर पहले लगे थे, जालियाँ अभी लगी? नहीं, जालियाँ अभी लगा एक महीना पहले, जब नाला ये सफाई हुआ था ना तब ये जालियाँ लगा अभी एक महीना पहले। पहले से देखा गार्डर तो वो पाइप पहले से लग रही है, जब लड़का जो बहा था ना उस समय लगी है। तो गार्डर लगा करके ये कोशिश की गई कि अब से ऐसी कोई घटना नहीं हो, लेकिन फिर भी जो बुनियादी तौर पे इसके साफ सफाई की व्यवस्था जिस प्रकार की होनी चाहिए वह नहीं हो पाई। हालांकि महीने भर पहले नगर निगम सचेत हुआ, क्योंकि ये बड़ा नाला है तो निश्चित रूप से नगर निगम ने इसको लेकर के पहल की, लेकिन अंदर के जो नाले हैं जो कि कॉलोनियों के नाले हैं उनकी तस्वीर अभी भी काफ़ी बिगड़ी हुई नज़र आती है। जयपुर शहर के आसपास कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनमें हमेशा पानी जमा होता था, उनमें से एक यह सड़क है जो पाचावाला की तरफ जाती है और अब इस सड़क का पुनर्निर्माण हो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि पहले जो ऊंचाई थी उस ऊंचाई को काफ़ी अधिक बढ़ाया गया है और अभी जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो दुकानें हैं अब वो काफ़ी गहराई में आ चुकी हैं और यही समस्या है यहाँ के लोगों की। हालांकि पिछले साल भी हमने इस इलाके से रिपोर्ट दिखाई थी, तब यहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था उस वक्त भी जो सड़क की स्थिति थी उसमें बड़े पैमाने पे पानी जो है वो अक्सर जमा होता था, बड़े बड़े गड्ढे थे इन सड़कों पर और उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहरहाल जब ये नई सड़क बन रही है तब लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि यहाँ के हालात बदलेंगे और जो जल जमाव से यहाँ के स्थानीय लोग दुकानदार जो पीड़ित रहते थे उनको इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगा, लेकिन बहरहाल अभी जो पूरे निर्माण की गति इतनी धीमी है जिससे ये साफ है कि कम से कम इस मानसून के दौरान तो यह निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से क्या कुछ दिक्कतें होंगी लोगों को वो जानने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के हैं, स्थानीय हैं? हाँ, स्थानीय हैं। तो अभी जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपको लगता है कि ये सही ढंग से हो रहा है और इसकी वजह से जो जल जमाव की समस्या थी वो दूर होगी? ये 100% बिल्कुल गलत है और ये होने के बावजूद भी जल भराव और यहाँ पे वैसा क्या वैसा पूरी की समस्याएं बनी रहेगी। आज इसको करीबन 20 रोज हो गए इस कार्य को चलते हुए। यहाँ की ये है कि यहाँ पे हमारा कमाना, काम धंधा, दुकानें खोलना इतना ख़राब हो रहा है। आप साइड में नज़र मार के देखिए, सभी व्यापारी दुकानें सेट डाउन कर करके जा चुके हैं। दूसरी बात, इस रोड का किसी भी तरीके से ना तो JDA का कोई अधिकारी आके चेक कर रहा है, ना नगर निगम का चेक कर रहा है, ना स्थानीय कोई नेता, ना कार्यकर्ता। यहाँ पार्षद कौन है स्थानीय स्तर पर, उनसे बात बात की आपने? कोई पार्षद हैं आपके स्थानीय, उनसे बात नहीं की? है यहाँ पे व्यापार मंडल से भी बात की थी, व्यापार मंडल भी नहीं आया। इसका मेन क्या है, आप अगर आपके कैमरे में ये कैद कर सकते हो, आप मेरे को इस रोड का किसी तरह से एंगल बताओ, अगर इसका कोई एंगल है, लेवल है। इधर ये बाईपास पुलिया है, अगर अपन इसका अलाइनमेंट लेके चलते हैं तो इसका सेंटर से भी लिया जाए, या फिर उससे पहले इनको अगर पानी का ही करना था, इसकी इतनी हाइट लेनी थी तो पहले नाला या कच्ची नाली बनाते। अब बात दुकान मार्केट की नहीं है, मार्केट से ज़्यादा तो आसपास की पूरी कॉलोनियाँ 1.5-1.5 फुट डूब चुकी है इस बार। 1.5-1.5 फुट डूब चुकी है। आप डेड़? आपका कहाँ से हैं आप? यहीं स्थानीय हैं आप भी? तो आगे हाँ, ये सब स्थानीय कमाने वाले हैं यहाँ पे। आज हमको 20-20 दिन हो गए, हमारी रोजी रोटी भी छिन रही है, काम भी इतनी धीमी। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और आपको उम्मीद है कि इस बार जब बारिश होगी तो इसमें जो पहले जल जमाव होता था वो नहीं होगा? होएगा सर, वो तो अब की बार ज्यादा जल जमाव होएगा, अब की बार डबल पानी भरेगा यहाँ पे। जितनी भी आप साइडों में जगह देख रहे हैं इसके अंदर ज्यादा पानी भरेगा। आप एक बार थोड़ा सा अगर आगे चलोगे ना तो आपको पूरी हकीकत आप खुद अपने कैमरे में देख पाओगे, आप अपनी आंखों से देख पाओगे किस तरीके से जल यहाँ पे अब की बार ज्यादा भरने वाला है। पहले ये था कि रोड पे पानी भरता था, अब लोगों के मकानों के अंदर पानी भरेगा, लोगों की दुकानों में पानी भरेगा और इस पानी का समाधान
ना तो इस रोड के ऊंची होने से होगा ना किसी और कारण से होगा। इसका समाधान तो यहाँ पे तब होगा जब इसका निकास यहाँ पे निकलने की रास्ता होगा। जब निकलने का रास्ता ही नहीं है तो फिर पानी का यहाँ पे किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकता है कोई? आगे आगे क्या स्थिति है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, आगे क्या है ऐसा? बिल्कुल हमारी जी, बिल्कुल चलेंगे, आप थोड़ा बता दीजिए जी। हमारे दुकानों का लेवल है, मकान का लेवल है, इस रोड से करीबन दो दो ढाई ढाई फीट नीचे जा चुका है। तो ये गवर्नमेंट का रूल और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? देखिए ये यहाँ से भी आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि जाहिर तौर पे ये जब इतना इतनी ऊंचाई इसकी है और नाले का कोई निर्माण नहीं हुआ है अस्थायी तौर पे भी, अस्थायी तौर पर भी, तो इससे दिक्कतें हैं। ये जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ भी पहुँचेंगे और वह तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस जल जमाव से मुक्ति की कामना थी लोगों को और जब जब रोड जब उम्मीद थी कि जब ये सड़क बनेगी तो उससे राहत मिलेगी, क्योंकि रोड पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, उसका समाधान होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। देखा आपने।